अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जो है फूड चेन। इसको मज़ीद पढ़ने से पहले आइए देखते हैं एक एनिमेशन। फूड चेन में होता क्या है, जो छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको उनसे बड़े इंसेक्ट या एनिमल खा जाते हैं, और उन एनिमल को, जैसे आप देख रहे हैं छोटे इंसेक्ट को उन्हें बड़ा एनिमल खा रहा है, उस इंसेक्ट को एक उससे बड़ा बर्ड हो गया या एनिमल होता है वो उसको खा जाता है, फिर उसी को क्या होता है दूसरा कोई एनिमल होता है वो खा जाता है। ये खाने की वजह से एक दूसरे से एक जो चेन बन रही है इसको कहते हैं फूड चेन। आप दोबारा देखें, जो छोटे इंसेक्ट हैं ये क्या होते हैं, ये खाना खाते हैं और खुद इनको क्या हो जाते हैं, दूसरे एनिमल खा जाते हैं, फिर उन्हीं एनिमल को दूसरे जो होते हैं एनिमल क्या हो जाते हैं, खा जाते हैं। इस खाने की वजह से जो एक दूसरे को खा रहे हैं तो इसको चेन जो बन जाती है इसको कहते हैं फूड चेन। तो जैसे कि आपने एनिमेशन देखी, एनिमेशन में हमें यह पता चला कि जो खाने की वजह से, फूड की वजह से छोटे इंसेक्ट क्या होते हैं, अपने खाना खाते हैं, उनको बड़े एनिमल क्या जाते हैं, खा जाते हैं, फिर उनको उनसे बड़े एनिमल खा जाते हैं, तो एक चेन बनती है, इस चेन को कहते हैं फूड चेन। आइए यहाँ पे देखते हैं, अगर हम खाने के हिसाब से एक चीज़ जहन में रखें कि हमारी ज़िंदगी में, दुनिया में जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो खाने की वजह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। हम इंसान हैं, हम इंसान भी क्या करते हैं, खाना खाते हैं और दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं। हमारी दुनिया में जो भी एनिमल्स हैं अगर उनको हम क्लासीफाई करें तो उनकी दो कैटेगरी बनेगी। मैं बात कर रहा हूँ अगर उनको हम क्लासीफाई करें खाने की वजह से, तो एक होते हैं प्रोड्यूसर्स और दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स। तो आइए देखते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं और कंज्यूमर्स क्या होते हैं। अगर हम लफ्ज बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर का मतलब है जो खाना बना सकें, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो खाना बना सकते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, वो खाना खाते हैं, वो खुद नहीं बनाते। प्रोड्यूसर्स के पास ये एबिलिटी है कि वो खाना बना सकते हैं, खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और कंज्यूमर्स क्या होते हैं, वो खाना खुद नहीं बनाते, वो उसको कंज्यूम करते हैं, ईट करते हैं। अभी यहाँ पे आएँ, ये आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये है प्रोड्यूसर्स का, ये एक प्लांट है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। प्लांट क्या होते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं वो सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सूरज की रोशनी में पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज पैदा करता है। उस ग्लूकोज क्या हो जाता है, इस प्लांट का खाना होता है, फूड होता है। तो जो हमारे प्लांट हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। कुछ हमारे प्लांट हैं, कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। अच्छा, अभी उन्होंने जब ये खाना बना लिया क्या होगा, जो छोटे इंसेक्ट हैं वो क्या करेंगे, उनको कंज्यूम करेंगे। जो प्लांट को डायरेक्टली क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उनको कहते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर्स। मीन्स जो प्रोड्यूसर्स खाना बना रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, जो चीज़ कंज्यूम कर रही है, ईट कर रही है, वो क्या हो जाते हैं हमारे, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाते हैं। दूसरा देखें है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या करें, खाएं। तो देखें यहाँ पे हमारा प्राइमरी कंज्यूमर था, ये क्या कर रहा था, प्रोड्यूसर को खा रहा था, ईट कर रहा था। अब ये क्या हो रहा है, ये खुद क्या हो रहा है, ईट हो रहा है दूसरे सेकेंडरी कंज्यूमर से। फिर अगर हम आगे जाएंगे तो देखें हमारे पास आ रहा है टर्शरी कंज्यूमर्स। ये टर्शरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये टर्शरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं। तो देखें एक यहाँ पे चेन बन रही है, इस चेन की वजह से इसको हम कहते हैं फूड चेन। खाने की वजह से ये एक दूसरे को खा रहे हैं। एक चीज़ ध्यान में रखें, छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ें खाती हैं और बड़ी चीज़ों को उनसे बड़ी चीज़ें खाती हैं, इसको हम कहते हैं फूड चेन। और चीज़ एक ध्यान में रखें, जब ये एक दूसरे को खा रहे हैं तो इनके मौजूद जो न्यूट्रेंट हैं, फूड में मौजूद जो न्यूट्रेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जब मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ तो उसकी मैं उसमें जो भी न्यूट्रेंट हैं वो मेरी बॉडी में आ रहे हैं, और जब अगर कोई चीज़ किसी को खाती है तो उसके न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरी चीज़ों में। तो इसी तरीके से इस प्लांट में जो न्यूट्रिएंट थे, जो इसमें ग्लूकोज था वो ट्रांसफ़र हो चुका है इसमें, इस इंसेक्ट में जो ग्लूकोज आ गया वो इसमें, जो जो न्यूट्रिएंट इसमें हैं वो इस तरीके से आगे क्या होते रहेंगे, ट्रांसफ़र होते रहेंगे, इसको कहते हैं फूड चेन। आइए देखते हैं कि
कंज्यूमर्स की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं? अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें, वो कंज्यूमर्स जो खाना खुद नहीं बना सकते लेकिन दूसरों पे क्या करते हैं, वो खाना हासिल करते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो पहली बात हमारे पास आती है कार्निवर्स। कार्निवर्स वो होते हैं एनिमल दैट ईट अदर एनिमल्स, वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाएं। जैसे कि हमारे पास स्नेक हो गया, ईगल हो गया, आपने देखा होगा जो ये क्या होते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो इनको हम कहते हैं कार्निवर्स। कार्निवर्स वो होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाएं। उसके बाद आते हैं टॉप कार्निवर्स। टॉप कार्निवर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, जैसे शेर हो गया, शार्क हो गया। तो मैं आपको बताता चलूँ, ऐसे एनिमल जो दूसरों को खाते हैं लेकिन उनको खाने की किसी की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो। मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे शेर है, शेर काफ़ी एनिमल्स को खा जाता है लेकिन इसको खाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बिल्कुल कम है। तो ये आपका क्या हो गया, टॉप कार्निवर्स हो गया। कार्निवर्स वो होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाएं, और टॉप कार्निवर्स वो होते हैं जो दूसरों को खाएं लेकिन उनको खाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो, बिल्कुल निचली बिलो। उसके बाद आता है हर्बीवर्स। हर्बीवर्स का मतलब है, हर्ब का मतलब है ग्रीन प्लांट। तो वो एनिमल हो गए जो हम घरों में रखते हैं या बाहर रहते हैं, उनमें वो जो घास खाएं, ग्रास खाएं, तो उसको कहते हैं हर्बीवर्स। जैसे हमारी गाय हो गई, हमारी भैंसें हो गई, तो जो भी जानवर हम देखते हैं जो घास खा रहे हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे हर्बीवर्स के अंदर। अभी कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो घास भी खा सकते हैं और गोश्त भी खा सकते हैं, उसको देखें हम कहते हैं ओमनीवर्स। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे बंदर हो गया, हमारा मेंढक हो गया, ये क्या होता है, इनके पास ये प्रोबेबिलिटी है, ये इनके पास ये सलाहियत है कि ये घास भी खा सकते हैं और उसके बाद उसके साथ साथ अब ये क्या हो गया, ये आपके एनिमल भी खा सकते हैं। तो इनके पास दोनों प्रॉपर्टी होने की वजह से ये आपके क्या हो गए, ओमनीवर्स हो गए। तो ये स्टूडेंट छोटा सा एक लेक्चर था हमारा प्रोड्यूसर्स के और कंज्यूमर्स के बारे में और फूड चेन के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, आप बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में हमें ये रिप्लाई दें कि इन चीज़ों को हम और मज़ीद किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, या आप कौन सी टॉपिक चाहते हैं हम उन पर वीडियो बनाएं, तो उन पर हम ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।